आइए, आपका स्वागत है मेरे इस किचन में। मैं आज आपको सांभर मसाले बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए चना दाल आधी छोटी चम्मच, जीरा आधा छोटी चम्मच, यहाँ पे है मेरे पास है मेथी दाना आधा छोटी चम्मच, एक चम्मच है मेरे पास चावल, कोई भी चावल ले सकते हैं आप। इसमें चार मिर्च है मेरे पास, सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं, आधा छोटी चम्मच मेरे पास है यहाँ हल्दी, 6-7 है लहसुन, और थोड़ी से है अदरक, मतलब आधा इंच से भी कम है अदरक, और कुछ है मेरे पास सूखे नारियल, जिसे हम गड़ी भी कहते हैं, आप कच्चा नारियल भी यूज कर सकते हैं, एक बड़ा चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च, 1-2 पिंच है मेरे पास है ये हींग, और 2 लौंग और 2 हरी इलायची है मेरे पास, 1 बड़ा प्याज, 1 चम्मच सूखी धनिया। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले गैस ऑन कर लेते हैं। हम गैस को धीमी ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। एकदम लो में कर दें। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। डालेंगे सबसे पहले जीरा डालेंगे, फिर मेथी डालेंगे, इसे चला लें। आंच को हम धीमी ही रखेंगे, तेज ना करें। अब इसमें हम डाल देंगे चना दाल, एक एक करके सारे मसाले डालते जाएं। हमारा चना दाल डल गया, अब हम इसमें डालेंगे चावल, इसमें डाल दे धनिया, धनिया के बाद हम थोड़ा सा चला लें, उसके बाद डाल दे इसमें हींग, और इसमें डाल देंगे लौंग और इलायची 2, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, अब हम इसमें डालेंगे नारियल, और डाल दें इसमें कड़ी पत्ते, और 10 कड़ी पत्ते, सभी को अच्छे से 2-3 मिनट तक इसे भून लें, जब तक कि हमारा मसाला चटकने ना लगे। गैस को धीमी ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा मसाला सारा जल जाएगा। दो तीन मिनट तक इसी तरह से भूनते रहें। बीच बीच में चलाते भी रहें ताकि मसाला जल ना जाए एक साइड से।
अब इसमें हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हल्दी, छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, सबसे आखिर में डालेंगे हम प्याज। ध्यान दें इसे ज्यादा भूनना नहीं है, हल्का ही इससे खुशबू आने लगी उसके बाद आप ऑफ कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बेल बजाना ना भूलें। लगभग हमारा मसाला तैयार होने को आए हैं, बस एक मिनट और इसे भून लेंगे और इसे ठंडा करके इसके बाद हम इसमें मिक्सी में इसे पीस लेंगे। पानी के साथ इसे पीसना है मिक्सी में, सूखा नहीं पीसेंगे इसे। चलिए तो हमारा मसाला रेडी हो गया, गैस ऑफ कर देते हैं। ऐसे ठंडा करके इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हमारा मसाला ठंडा करके मिक्सी में से पीस लेते हैं। तो आइए मेरा मसाला देख सकते हैं रेडी हो गया है, तो इस तरह से हो जाएगा, इतना बारीक पीसना है इसे। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। जब इसे आप सांभर बनाएं उसी समय इस मसाला को यूज करें आप, तो बहुत अच्छा बनेगा सांभर आपका। तो ये हमारा सांभर मसाला रेडी हो गया, चलिए आप भी बनाएं और हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।